एक तासुर ये है ना कि हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है या हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर जनरली उमूमी तौर पर इधर वाले आवाम ये समझते हैं कि ख्वातीन को शायद उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि इनफैक्ट वहाँ से ज्यादा लड़कियाँ होती हैं। लेकिन क्रिकेट बल्तिस्तान से मेरे ख्याल मेजर टैलेंट से तो वहीं से आता है, लेकिन केपी से इतना टैलेंट नहीं आता स्पोर्ट्स में। बट एक ऐसी नौजवान लड़की है who is a star, she is a budding star as well, आयशा अयाज है ताइक्वांडो चैंपियन। बिल्कुल जी, थाईलैंड में इस वक्त मौजूद कि आयशा ने सवाद से इनका ताल्लुक है। आयशा ने, मैं बता दूं आयशा ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं कि आयशा ने थाईलैंड में होने वाली हीरो कप इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में एक बार फिर, यानी पहले भी कर चुकी हैं, एक चांदी और दो कांसी के तमगे जीत कर बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया है। और आयशा अयाज ने, बाय द वे शी इज ओनली 12 साल की उम्र की जो कैटेगरी होती है उसमें फाइट में सिल्वर मेडल, जबकि पिम्से में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये पिम्से क्या है, ये कैटेगरी है, मुझे लगता है कि पहले भी हमें किसी ने बताया था। अब तो सवाल से इनका ताल्लुक है, कम उम्र तरीन इंटरनेशनल ताइक्वांडो स्टार है जो 8 साल की उम्र से मुसलसल 7 इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ ये हम जानेंगे आयशा से ही। अस्सलाम वालेकुम आयशा, बहुत मुबारक हो आपको, आपके कोच को, आपके अम्मी अबू को। ज़रा अपने जर्नी के बारे में बता दें, आप इतने साल से ना सिर्फ खेलती आ रही हैं जीतती आ रही हैं, कैसे आप सवात में ही पली बड़ी हैं वहीं रहती हैं, कैसे अचानक से ख्याल आया कि भाई ये ताइक्वांडो जो है ना इज़ माई ट्रू कॉलिंग, मुझे ये खेल मैं चैम्पियन बन के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने थाईलैंड में भी हमें याद कर दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बड़े कामयाबी दी, और वो अपने कौम की दुआओं की वजह से, वरना मैं ये सोच ही नहीं सकती कि मैंने कैसे ये लिए, और मेरे ख्वाब में भी ये नहीं आया था कि मैं कैसे पाकिस्तान का एक स्टार बन गई। ये तो आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मेरे 3 मेडल भी हासिल की है, 2 आज। ये हमारी दुआएं तो बिल्कुल हैं, आपकी मेहनत बहुत है इसमें, आपके एंथुसियाज्म ना एनर्जी देख के हमें बड़ी खुशी हो रही है सुबह सुबह। लेकिन दुआएं तो हैं ही, लेकिन आपकी मेहनत बहुत है, ये कोई आम खेल तो है नहीं। तो ये बताएं कि मतलब इसमें इंटरेस्ट कैसे आया आपका? मेरा खानदान भी ताइक्वांडो खेलती है। जैसे मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा के साथ जाती थी, गेम खेलती थी, शौक था मेरा। तब से मेरा शौक बढ़ बढ़ कर यहाँ तक पहुँची, और जब मेरे पापा को पता चला कि इनका शौक है तो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल लेवल पर भी खिलाया। तो आपके पापा ही आपके कोच भी हैं? दोनों हैं। अच्छा, तो कोच भी और पापा भी सिखाते हैं, आपके साथ ही हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको मुबारकबाद देते हैं। जबरदस्त। तो अम्मी की भी उतनी सपोर्ट है या फिर ये अबू का ही जोर है जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँची हैं? नहीं, पहले तो मेरे अम्मी का नहीं था सपोर्ट, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप गर्ल हो और आप ना जाओ, ये तो बॉय करते हैं, आप ऐसे सारी अम्मियां ऐसे करती हैं शुरू में। अम्मियां ऐसे होती हैं। जब से मैं पहली दफा दुबई गई थी ना, वो अकेली में गई थी, रात को एयरपोर्ट में, रात को मेरा वीजा आया और पापा का वीजा नहीं आया, तो अम्मी से मैंने कहा कि मम्मा मैं जाऊंगी, और कहते थे कि ना जाना, मैंने कहा कि नहीं मैंने जाना है, उसने कहा कि ना जाना क्योंकि आप अकेली हो। और मैं 8 साल की थी आप तब? मैं 8 साल की थी। माय गॉड, वाओ। वैसे मैं आपकी अम्मी के खदशात समझ सकती हूँ, और आपके अम्मी अब्बू को भी सलूट है कि उन्होंने 8 साल की बच्ची को जो भी है सूरत हाल इस तरह अकेले खेलने के लिए भेज दी। लेकिन आयशा आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि यकीनन अब्बू को पता ही होगा कि आयशा ठीक रहेगी, और जिस बच्ची को ताइक्वांडो आती हो उसके साथ तो कौन को पंगा उसके साथ कौन पंगा करेगा। अच्छा, अब बताइए, जो अभी आपने चैंपियनशिप जीती है तो मुश्किल था, किसके अगेंस्ट आपने किसको हराया? मैंने पिनपाइनिया और थाईलैंड को हराया, और फॉर्म्स में जो था वो मलेशिया था, और VST थाईलैंड वाली टीम था, और भी टीम्स थे, उनको मैंने हराया ताइक्वांडो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात लगी हमें कि आपने थाईलैंड में थाईलैंड को ही हरा दिया, तो दैट इज़ कमेंडेबल। कितनी आप करती हैं प्रैक्टिस दिन में, आपकी ट्रेनिंग में कितना आपका वक्त गुजरता है?
मैं तो वैसे 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ और जब इंटरनेशनल सतह पे जाती हूँ तभी मैं 4 घंटे 2 घंटे सुबह 2 घंटे दोपहर टाइम को वैसे करती हूँ, ज़्यादा मेहनत पर करती हूँ। और जब मैं इंटरनेशनल सतह पे जाती हूँ तभी मेरे पाँव जो है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, तभी मैं उसको देख देखते मैं रो रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल जख्मी हुई हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ कि आप कहाँ रहते हो? आप इस्लामाबाद में रहते हो, आप सवात में रहते हो, पेशावर में रहते हो, कहाँ बेस्ड कहाँ हैं आप? आपकी फैमिली कहाँ बेस्ड है? नहीं, मेरे ताल्लुक जो है वो सवात से, मैं सवात में रहती हूँ। सवात में तो फिर कितनी लड़कियाँ हैं जो ताइक्वांडो खेलती हैं? मुझे बड़ा शौक है जानने का कि क्या आप अकेली ही लड़की हैं सवात में जो इस तरह के स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, या आपको देख के और लड़कियों में भी शौक पैदा हो रहा है और वो भी आपके साथ आती हैं प्रैक्टिस करती हैं? नहीं, हमारे एकेडमी अलग है ना, उसी में तो लड़कियां भी और लड़के भी है, सब हम एक साथ ही खेलते हैं। लड़कियां भी जब वो हमें देखते तो मैं उसको देखती हूँ, मुझे भी शौक पैदा होता है, वो मुझे देखते तो उसको भी शौक पैदा होती है। जबरदस्त। अच्छा पढ़ाई के हवाले से बताएं, स्कूल भी साथ साथ चल रहा है? जी, मैं आरुण पब्लिक स्कूल क्लास 7 के स्टूडेंट हूँ, मैं उधर ही पढ़ रही हूँ। आरुण पब्लिक स्कूल ने मुझे लिए ना, मैं उधर ही पढ़ रही हूँ। हाउ नाइस इज दैट। सो अब बड़े होके इसी शोबे में, इसी फील्ड में आगे जाना है या फिर किसी और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, क्या बनना है? क्या अगर मैं पूछूँ, बिकॉज ये जो होती है ना, जो बच्चे बड़े बड़े ख्वाब सजा रहे होते हैं और ऑलरेडी इतने अचीवर्स होते हैं कि भाई हमने ये बनना है, तो आपने क्या बनना है? नहीं, मेरे पाकिस्तान, मेरे बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का मेडल छीन के रहूंगी, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए रहूंगी। मुझे लगता है कि आपने छीन लेने। हाँ आयशा, हमें कोई शक नहीं है कि आप ये कर सकती हैं और इंशाल्लाह जो आपकी एनर्जी है और पैशन है ये आप कर लेंगी। बेस्ट ऑफ लक आयशा, आपको और आपकी फैमिली को। वंस अगेन एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली आपके साथ 100% हो। अच्छा, और ये अम्मियों की जो बात होती है ना, ऑफ कोर्स बच्चियों के लिए डरती हैं, बच्चों के लिए भी डरती होंगी, लेकिन जब आप रोल बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर आप कुछ कर लेते हैं, पहला कदम ले लेते हैं तो अम्मियाँ ही आपकी बिगेस्ट सपोर्टर बन जाती हैं साथ। सो प्लीज़ लर्न फ्रॉम इट पाकिस्तान, कि अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में तो ज़रूर डालें, बेशक वो आफ्टर सर्टन टाइम वो उसको आगे लेके जाएं या ना जाएं, लेकिन उनकी बेस बड़ी अच्छी बन जाती है। ज़िंदगी में आपको पता है बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला आ जाता है बच्चों को, एक हार्ड वर्क करने का, एक जीत को और हार को संभालने का, तस्लीम करने का एक आपको शऊर आ जाता है। वैसे बाज स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो सारी उम्र भी खेल लें तो वो हार नहीं ले सकती, फिर वो धरने देती हैं, एहतजाज करती हैं।